गया जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अपराध की योजना बनाते चार कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गया जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अपराध की योजना बनाते हुए चार कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से दो देसी पिस्तौल, गोली और तीन मोबाइल बरामद किए हैं। टाउन डीएसपी राजकुमार शाह ने बताया कि इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि कोतवाली थाना की पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि चंद्रशेखर जनता कॉलेज के समीप कुछ कुख्यात अपराधी जमा हुए हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। उक्त सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस ने तत्काल दल बल के साथ छापेमारी की। इस दौरान चार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक फरार होने में सफल रहा। डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी पवन कुमार राहुल उर्फे ननकू, शुभम उर्फे लेफ्टी, बच्चा यादव शामिल है। ये सभी कोतवाली थाना क्षेत्र के बंगला स्थान के निवासी हैं। वहीं जो अपराधी जो भागने में सफल हुआ है उसका नाम सुधांशु कुमार है और वो रहने रहाना बाला कोतवाली थाना क्षेत्र के न्यू एरिया मोहल्ले का निवासी है। उन्होंने बताया कि सभी अपराधी पहले भी कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और पिछले ही दिनों जेल से बाहर आए हैं। कोतवाली थाना को सूचना मिली थी कि यहाँ पिछले एक महीने से दो तीन जो घटनाएँ हुई थी उसमें जो शामिल थे वो फिर कोई घटना करने के लिए ऐसी योजना बना रहे थे जिसमें उन्होंने पास हथियार भी बरामद हुआ है। ये जनता चंद्रशेखर जनता कॉलेज के पास पांच आदमी थे जिसमें बादशाह यादव, दूसरा शुभम उर्फ लेफ्टी, तीसरा राहुल उर्फ ननकू, चौथा पवन और पांचवा एक सुधांशु कुमार जो कुछ दिन पहले जेल से छूट के आया था और फिर ये उसी काम में अपने साथियों के साथ लगा हुआ था, लेकिन वो फरार हो गया। बाकी चार उसमें पकड़े गए हैं। उसके पहले भी सात आठ को एक घटना हुई थी जिसमें पुलिस पर ये न्यू एरिया में फायरिंग किए थे छः आदमी, जिसमें हम खुद भी गए थे उस समय और कोतवाली थाने की टीम भी थी। उस समय भी छः में से तीन पकड़े गए थे, जो एक कैंची उर्फ सूरज, दूसरा सागर, तीसरा मनीष जो पकड़ा गया था, सुधांशु उसमें भी था, सुधांशु भी भाग गया था और बच्चा यादव और ये सुधांशु और पवन ये कल रात में पकड़ा गया है और सुधांशु की हम लोग तलाश कर रहे हैं। तो आज की जो घटना सुबह में हुई थी उसमें पांच में से चार पकड़े गए हैं और फिर आपको छः नौ को एक न्यू गोदाम एरिया में एक घर में फायरिंग हुई थी जिसमें सीसीटीवी कैमरे से दो की पहचान हुई थी। रिपोर्ट बाय प्रवीण ओझा, समाचार इंडिया न्यूज़।